अब आप फिर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा विभाग में घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। जोगी का यह भी आरोप है कि स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन के लिए मंगाई गई निविदा में विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। समग्र शिक्षा के नियमों को दरकिनार कर निविदा जारी की गई और इसकी शर्तें विशेष कंपनी बैनेट को फायदा पहुंचाने के लिए रखी गई। अजीत जोगी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री को धोखे में रखकर अपने मन से नियम विरुद्ध अनुभवहीन कंपनी को ठेका दिया। जोगी ने आगे कहा है कि निविदा में ऐसी कठिन शर्तें के कारण बहुत कम प्रतिभागी पात्र हुए। शिक्षा विभाग ने पूर्व नियोजित ढंग से बैनेट के जमा किए गए अमान्य अवैध दस्तावेजों को 100 करोड़ का अनुभव बताकर स्वीकार किया। तो वैसे ही सरकारी कंपनी या सरकारी उपक्रम को प्राथमिकता दी जाए, उस कंपनी के पास 100 करोड़ से ज्यादा का काम करने का अनुभव नहीं, और दूसरी कंपनी जिसको दिया गया उसके पास 100 करोड़ से के लगभग काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सोनभद्र में जमीन विवाद के चलते हुए नरसंहार को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि सोनभद्र नरसंहार सबसे बड़ी विभत्स घटना है। पीड़ितों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जाने से रोका और अन्य दलों को वहां जाने से रोक रहा, ये बताता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छिपाना चाहते हैं। हमने अपने दल को भी वहां भेजा है, उनके लौटने के बाद ही वहां जाने की मैं कोशिश करूंगा। योगी आदित्यनाथ सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका जी को ना जाने देना, ममता जी के दल को ना जाने देना, हमारा दल भी शायद रोक दिया जाए, ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जरूर कुछ छिपाना चाहें। गरियाबंद के किडनी प्रभावित सुपेबेड़ा गांव को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने न्याय मित्र को 4 सप्ताह में ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में किडनी की बीमारी से सुपेबेड़ा में 70 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा ग्रामीण अभी भी किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। मौतों का यह सिलसिला और बीमार लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई बार जांच कराई गई लेकिन अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिर भी ज्यादातर जांच एजेंसियों ने दूषित पानी को ही बीमारी की मुख्य वजह बताया है। सरकार ने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं लेकिन इसे ग्रामीणों का दुरुपयोग ही कहेंगे कि ग्रामीण आज भी वही दूषित पानी पीने को मजबूर है। ना प्लांट लगा है, जो फिल्टर प्लांट लगा है उसका भी यूज नहीं हो पा रहा है। समय में आके चेक भी नहीं कर रहे हैं उनको कि पानी सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वही पानी जो बोरवेल से आ रहा है वही पानी अभी तक पूरे गांव पी रहे हैं। पानी आ रहा है तो कभी नहीं आ रहा है, मतलब हालात जो पहले थे वो ऐसा ही है, ऐसे ही मतलब अशुद्ध पानी अभी पी रहे हैं। और क्या करोगे, पीना तो पड़ेगा। स्वास्थ्य उपस्वास्थ्य बनने वाला था वो बना नहीं, जो क्या क्यों है। सरकार बदलने के बाद कुछ गांव का कोई सुनाई नहीं है, कोई आदमी सुन रहा है, मंत्री लोग आ रहे हैं वादा करते हैं चलते हैं, कोई बदलाव नहीं है। जनता करते हैं आए मंत्री लोग देखे सुपेबेड़ा का हाल मालूम चले, अभी तक स्वास्थ्य केंद्र बनने वाला था अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे। मतलब नया सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, क्या ताजा स्थिति बताई जाती है, क्योंकि जिस तरह से किडनी की बीमारी के चलते लोगों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, रमन सरकार ने भी तमाम प्रयास किए, अभी प्रदेश में भूपेश सरकार है, किस ओर में कार्य किए जा रहे हैं? बिल्कुल,
जी बिल्कुल, ये बताना जरूरी होगा कि यहाँ जो है 3 साल रहे यह मामला उठा था और पिछले 3 साल में जो आंकड़े उभर के आए हैं यानी कि 11 साल से किडनी की बीमारी से लगभग 70 लोगों की मौत हो गई है, 150 से ज्यादा लोग अब भी बीमारी हैं और 4 की कंडीशन बेहद ही खराब है। इस स्थिति में जो पहल जो है राज्य सरकार जितनी गंभीरता से करनी चाहिए थी, जो यहाँ पे जो तैयारियां दिखनी चाहिए थे उस हिसाब से बिल्कुल तैयारी नहीं दिखती, क्योंकि एक डायलिसिस मशीन लगाया हुआ है देवक सीएससी में जो नजदीकी सुबह पर ऐसे नजदीकी सीएससी पड़ता है, डायलिसिस मशीन लगाया गया लेकिन एक्सपर्ट नहीं मिले गए हैं इसलिए डायलिसिस मशीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिस पानी के नाम पे 125 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं साफ पानी के लिए, तो वो साफ पानी कभी बिजली की वजह से तो कभी सोलर की वजह से वो चल नहीं पाता, यानी कि जो दूषित जल स्रोत है जिसको दूषित माना गया है समय समय पर जांच करने के बाद जो हैवी मेटल्स पाए गए हैं जो पानी, उस पानी को आज भी लोग पी रहे हैं और बीमारों की संख्या आज भी बढ़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है पुरुषोत्तम कि अगर बात करें नई सरकार जब बनी थी और अभी मौजूदा जो प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री टी एन सिंहदेव, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था और उन्होंने कहा था कि जो सुपेबेड़ा और गरियाबंद जिले में जितने भी तमाम किडनी प्रभावित लोग हैं इनका बेहतर इलाज सरकार कराएगी, इस दिशा में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या आगे कोई अपडेट मिल पा रहा है? तौर पर ये बात भी एक मतलब चिंता का विषय है, क्योंकि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री नहीं बने थे बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उस गांव में आए थे, गांव का मुआयना किया था, उन्होंने गांव से ही ऐलान किया था जो खराब जल स्रोत है वहां पे खड़े होकर इस बात का ऐलान किया था कि 10 लाख रुपए एक पीड़ित परिवार को और एक पीड़ित परिवार को नौकरी सरकार दी, लेकिन आज वो खुद सरकार में है, सरकार में रहने के बाद वहाँ टीएससी देव ने भी अपील किया था कि यहाँ से लोग आए और बेहतर व्यवस्था। लेकिन पुरुषोत्तम बड़ा सवाल ये है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए गए हैं लेकिन उसके बाद भी उनको पानी मुहैया नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज ये है कि वो अभी भी झिरिया का ही पानी पीने के लिए मजबूर हैं, तो इस दिशा में जिला प्रशासन हो गया, फिर राज्य सरकार हो गई, तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, ये कर क्या रहा है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बड़े स्तर पे जो काम होने थे वो काम तो सरकार के स्तर पे होने हैं, जो बड़ी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करने में समय लगता है, लेकिन मौजूदा जो वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट है, आरओ ट्रीटमेंट प्लांट है, जो केवल बिजली नहीं होने के कारण नहीं चल पा रहा है, बिजली कम सप्लाई के कारण नहीं चल पा रहा है, तो उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था किया जा सकता है, हो सकता था उनको जनरेटर की व्यवस्था किया जाए या तो फिर कोई बड़ा सोलर का बड़ा इक्विपमेंट लगाया जाए ताकि वो निरंतर जारी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ के पानी में खराबी है इसकी रिपोर्ट आज तक सरकार के पास नहीं है, क्योंकि जितने भी तमाम रिपोर्ट आए उसमें हैवी मेटल्स और कैडमियम क्रोमियम जैसे घातक तत्व मिले, फ्लोराइड भी खुला हुआ है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑर्सेनिक जैसे कई भारी पदार्थ इसमें बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, तमाम एजेंसियों से जांच करा ली जाती है, लेकिन नतीजा वही सिफर है। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे, बहरहाल जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वहीं दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया है, सप्लाई टीम प्रभारी हिजमा और मंगू मंजावी ने सरेंडर किया है, हिजमा पर 3 लाख का इनाम घोषित था और यह समर्पित नक्सली लंबे वक्त से माओवादी संगठनों से जुड़कर आगजनी हिंसा फोर्स हमले जैसी कई अन्य वारदातों को अंजाम दिया करता था। दंतेवाड़ा एसपी ने दोनों समर्पित नक्सलियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी। दंतेवाड़ा पुलिस दोनों के समर्पण को बेहद ही अहम कामयाबी मानकर चल रही है। पति पत्नी के बीच विवाद होना बेहद ही आम बात है, लेकिन डोंडी थाने में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं, पति के इस उत्पीड़न से तंग आकर पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलाईगढ़ थाने के अंतर्गत कैथा गांव में प्रेमी युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा हुआ था, जहां प्रेमिका के परिवार वालों ने युवक को बंधक बनाया और रायपुर लेकर गए, तो वहीं प्रेमी युवक की जमकर पिटाई भी की गई। हालत गंभीर होने के बाद भटगांव अस्पताल लाकर उसको छोड़ दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसको रायपुर के जिला अस्पताल रेफर किया गया। और लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग था, काफी दिन चल रहा था, उसकी घटना तारीख को भी लड़का उसके घर में गया था, परिजन देखने के बाद उसके पास कुछ हाथापाई हुआ, मारपीट हुई।
ग्वालियर जिला मुख्यालय घड़ी चौक पर केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार से नाराज होकर कांग्रेसियों ने धरना दिया, जिसमें कमेटी के पदाधिकारी और विधायक अंबिका सिंहदेव की मौजूदगी रही, जहां आंदोलन में राष्ट्रपति के नाम बैकुंठपुर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। तो वहीं राज्य में ग्रामीणों को समय पर खाद नहीं मिलने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लचकेरा समिति में खाद्य का पर्याप्त भंडारण नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा कर दिया। अधिकारियों को आज ही खाद दिलवाने की जिद पर अड़े रहे, साथ ही चक्का जाम करने की चेतावनी भी दे डाली गई, जिसके चलते प्रशासनिक अमला हरकत में आने के साथ ही आनन फानन में वाहन व्यवस्था की गई और देर शाम तक खाद लचकेरा भिजवाने की व्यवस्था की गई। इस पूरे मामले में ट्रांसपोर्ट संचालक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लगातार 15 दिन से खाद के समस्याओं से भटक रहे थे, तो सभी किसानों ने आज एकजुट होकर के यहाँ ब्रांच मैनेजर सुपरवाइजर के पास आए हैं और यहाँ पता किए, तो यहाँ ब्रांच मैनेजर यहाँ पे उपस्थित नहीं है, यहाँ जो सुपरवाइजर हैं वो लोग संज्ञान ले रहे हैं कि अभी रोपा का लगाई चल रहा है और खाद नहीं मिल रहा है। इस वजह से किसान जो है परेशान है, खाद के लिए बार बार सोसाइटी का चक्कर काट रहे हैं। जब भी थाने पर सुपरवाइजर बोले कि लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है, गाड़ी खराब हो गई है, जबकि खाद की अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, रोपाई के लिए भी और जो बोता बोए हैं उसके लिए भी, क्योंकि अभी जो खेत में नमी है, नमी रहेगा तभी खाद का उपयोग होगा। लचकेरा में अभी तक 223 टन खाद का भंडारण हो चुका है। आज की स्थिति में वहाँ खाद नहीं है, ऐसा अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी दिया गया। आज खाद जाने का था वहाँ, लेकिन गाड़ी खराब हो जाने के कारण खाद नहीं पहुँच पाई। परिवहनकर्ता से इस संबंध में चर्चा भी हुई, तो और गाड़ी भेजे हैं, गाड़ी की व्यवस्था कर दिया गया, उसके माध्यम से आज खाद चला जाएगा। लखनऊ के गर्ल्स डिग्री कॉलेज की लापरवाही का खामियाजा एक छात्र को भुगतना पड़ रहा है। बीएससी की इस छात्र की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की गई और छात्रा फेल हो गई। छात्र ने अधूरी उत्तर पुस्तिका को जांच कर नंबर बढ़ाने का भी निवेदन किया है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा की एक नहीं सुनी। एनएसयूआई ने छात्राओं की समस्याओं को लेकर प्रबंधन का घेराव भी किया, लेकिन कॉलेज प्रबंधन का अड़ियल रवैया ही छात्रा को राहत नहीं दे रहा। मेरा सिक्स सेमेस्टर है, 5 नंबर से बैक लगा हुआ है। कॉपी रीवैल के लिए डाली तो मेरे को फोटोकॉपी दिया गया। जब मैं कॉपी देखी तो उसमें 2 पेज चेक नहीं हुआ था। इनके पास आंसर शीट की कॉपी है, इनको उसमें भी डर नहीं है, ये चेक नहीं किए हैं, अपनी गलती को बच्ची की गलती बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप रिवेल में डालो, 15 दिन में आपका रिवेल का आंसर मांग पूरी, अगर 2 दिन में मंडे तक इसको एडमिशन नहीं मिला एमएससी में, तो हम लोग उग्र आंदोलन मंडे को ही करेंगे। कर्जोल तहसील के बर्कशाइन गिधौरी में बेचा कब्जा हटवाने के लिए राजस्व विभाग का अमला पहुंचा, जहां छोटे बड़े व्यापारियों ने कब्जा किया हुआ था, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था और सड़क पर भी जाम लग जाया करता था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया और लगभग 80 दुकानों को हटाया। हाँ। बोले थे 21 तारीख का टाइम देंगे, आज 19-20 तारीख आके तोड़ दिए। हाँ। आया तुरंत तोड़ना चालू कर दिए। हाँ। किसी को टाइम नहीं दिए। हाँ। जिसकी भी आया तुरंत चलवा दिए, बोले आप लोग को 1-2 दिन पहले समझा दिए थे, नहीं समझ में आ रहा करके आके तोड़ दिए। यहाँ पे जाम हो जाए, 24 घंटे जाम रहती थी, तो बेचा कब्जा तारीख को सूचना दिया था कि आज हटा दो, बेचा कब्जा हटा दो, नहीं तो अपन स्वतः हटा लिया। शनिवार आज तक समय दिया गया, आज तक समय एक बात भी नहीं हटाया बेचा कब्जा, हमारे द्वारा बेचा कब्जा हटाया गया है। कजोल में शॉपिंग की दवा छत्तीसगढ़ का नवा राशन कार्ड अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें चलित राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त हो जाने की वजह से नए राशन कार्ड में नाम जुड़वाने और नवीनीकरण के लिए एक पन्ने के आवेदन में जानकारी भरी जा रही है। साथ ही हितग्राहियों के राशन कार्डों के सत्यापन की प्रक्रिया और मौजूदा राशन कार्ड की जाँच पड़ताल भी की जाएगी। पंचायत बनना होती है तो जनता के बोलिए सुविधा होती है, सुविधा मिली आधार कार्ड बनाने का, राशन कार्ड बनना है। कांकेर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक
के कामतेड़ा गांव में माध्यमिक विद्यालय के बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षकों की बात की जाए तो यहां केवल एक ही शिक्षक है। यहां बरसात के दिनों में मेनकी नदी में बाढ़ होने की वजह से कई बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, तो कभी स्कूल आने के बाद वो वापस घर नहीं पहुंच पाते। भवन निर्माण तो है लेकिन 5 साल के बाद भी वो पूर्ण नहीं हो पाया। स्कूल में ना तो कोई बोर्ड है, ना ही सरकारी टॉयलेट, बिजली, पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं। यहाँ की अव्यवस्थाओं के चलते प्रशासन जितने भी तमाम दावे कर रहा है उनकी पोल खुलती अब नजर आ रही है। मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल है ओलीवड़ा ब्लॉक का, वो झोपड़े में संचालित हो रहा है। कल हम दौरा गए थे तो ये चीज सामने आया था तथ्य में, तो इसके लिए मैंने आपका संबंधित जो ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच से पता करवाया था, तो वहाँ की बिल्डिंग अधूरा हुआ है और राजीव गांधी शिक्षा मिशन से था तो आपका काम अपूर्ण होने का वो काम नहीं हो पाया है। रायगढ़ जिले में किसान इंद्रदेव की कृपा का इंतजार किया जा रहा है और इस साल सामान्य से 11 मिलीमीटर कम वर्षा हुई है, लेकिन जो वर्षा हुई है वो किसानों के लिए पर्याप्त ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के किसान वर्षा की देरी और अल्प वर्षा के चलते मायूस नजर आ रहे हैं। ज्यादातर किसानों ने साल वर्षा शुरू होते ही खेती में बीज डाल दिया, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं हो रही है, किसानों के खेत सूख गए हैं और जो बीज डाले गए हैं वो भी अब अंकुरित नहीं हुए हैं। यदि शीघ्र बारिश नहीं हुई तो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बालोदा बाजार पुलिस अधीक्षक नीतू कमल के निर्देशन में पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तनाव रहित कार्य करने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्हें किस तरह अपने जीवन को तनाव से मुक्त रखना है इस पर प्रकाश डाला गया। मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश प्रेमी ने बताया कि कार्य के साथ मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, साथ ही ये भी कहा कि कार्य को जीवन का आवश्यक दिनचर्या समझकर कार्य करने से यह कार्य सरल हो जाता है। इसके साथ ही गेम्स एवं एक्सरसाइज के साथ योग करते रहने से हमें एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बिना प्लानिंग के हम जब काम करते हैं तो स्थितियां तनावपूर्ण हो जाती है, तो इसलिए इन सब तनावपूर्ण स्थितियों को हैंडल करने के लिए उनका सही प्रबंधन करने के लिए हमको आपसी तालमेल सामंजस्य सलाह मशवरा करके काम करना चाहिए, और इस तरह के जो हम एक्टिविटी करेंगे तो हम अपने कार्य क्षेत्र में तनाव मुक्त रह सकते। बिलासपुर जेल में बंद पिता के साथ बेगुनाही की सजा काट रही खुशी का स्कूल में कलेक्टर ने दाखिला कराया था, जिससे प्रेरणा लेकर अब रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन और एसपी आरिफ शेख भी केंद्रीय जेल में खुशी की तरह बंद बच्चों का बचपन तलाशने के लिए पहुंचे। दोनों अफसरों ने केंद्रीय जेल में बंद महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों से मिलकर उनके खान पान स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर एस भारतीदासन ने कहा है कि खुशी की तर्ज पर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के बच्चों को भी शासन अच्छी शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई के लिए पहुंचाने का कार्य करेगा। आपको बता दें कि अधिकारियों के जेल का निरीक्षण करने का मकसद बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाना है, जिससे वो अपना बचपन जेल में नहीं बल्कि स्कूलों में गुजार सकें और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। उनकी जो पालकों से भी मुलाकात हुई और आगे इनकी जो सहमति लेके जो इनको जो कोई अच्छा शिक्षा संस्थान में पहुंचाने के लिए जो कार्रवाई भी करेंगे कार्ययोजना जारी है। अशोकनगर में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए मेडिकल ऑफिसर ने प्रत्येक वर्ष 1000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। मुंगावली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये पदस्थ है। ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए और बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए और वर्तमान में रोडों की स्थिति देखते हुए कि रोडों के किनारे बिल्कुल भी पेड़ नहीं है, कहीं भी आप हाईवे पर चले जाओ अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आपको एक पेड़ नहीं मिलेगा। जिसकी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए छुरिया ब्लॉक के चिल्हाटी गांव से 16
बालिकाओं को बास्केटबॉल प्रशिक्षण के लिए राजनांदगांव ले जाया गया, जहां बच्चों को 11 जुलाई से 20 जुलाई तक कैंप लगाकर प्रशिक्षण दिया गया। केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप खेलो इंडिया खेलो राजनांदगांव के नक्सली क्षेत्रों में चरितार्थ हो रहा है। यहां नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात इंडो भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 16 बच्चों को बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिया गया। खेल के माध्यम से बच्चों का भविष्य निखारने की कोशिश की जा रही है। तो कम उम्र के और टैलेंटेड बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चों को हम लोग यहाँ सिलेक्शन करके उनको युगांतर पब्लिक स्कूल में रखेंगे और उसके पश्चात उनकी थ्रू आउट ईयर ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। भानु प्रताप वन मंडल के द्वारा शुद्ध हवा एवं पर्यावरण संतुलन हेतु 25 एकड़ क्षेत्र में पौधे रोपण किए जा रहे हैं, जो बड़े होकर एक स्वच्छ वातावरण तो देंगे ही, साथ में पर्यावरण संतुलन में भी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। वन मंडल अधिकारी ने बताया है कि इस आसीवन में आम जनों को घूमने फिरने के लिए पाथवे बनाया जाएगा और फेंसिंग का सुरक्षित किया जाएगा, जिससे जंगली जानवर इस आसीवन के अंदर प्रवेश ना कर सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को पुलिस द्वारा रोके जाने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। प्रियंका गांधी सोनभद्र में हुए भीषण नरसंहार के पीड़ितों से मिलने जा रही थी। पुतले को छीनने के लिए पुलिस विभाग के कर्मचारी प्रयासरत दिखाई भी दिए। टीवी सीरियल पर अपने अभिनय से लोहा मनवाने वाले बाल कलाकार शिवलेख सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक गृहग्राम नरियारा पहुंचा। शव को देखकर परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। तीन चार दिन पूर्व मुंबई से रायपुर आए और रायपुर से कुछ इंटरव्यू का काम था बिलासपुर में। अब बिलासपुर में अपना काम वाम निपटा कर लोग फिर वापस रायपुर जा रहे थे और रायपुर पहुंचने के कुछ दूर पहले ही धरसिंगा के पास इनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे शिवलेख का जो हमारे परिवार का प्रतिभा था, हमारी पहचान थी, उसका घटनास्थल पर ही प्राणांत हो गया। निश्चित ही शिवलेख की जो आज दुखद घटना हुई है, पूरे परिवार ही नहीं पूरे समाज को झकझोड़ कर रख दिया है। कौंडा गांव से चलिए खबर देखेंगे, जहां पर विश्रामपुर में एक दिवसीय वन अधिकार समिति कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय में रखा गया, जिसमें ब्लॉक और बलेराजपुर के सभी पंचायतों के वन सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों ने भाग लेकर शासन द्वारा चलाए जा रहे नियमों को जाना और अपनी अपनी राय दी। दो ढाई साल हो रहा है इस तरह से, बड़ा ही समस्या, इधर से आने जाने करने वालों को बड़ा ही परेशानी होता है। मैं भी कभी जाता हूँ तो फिर ज्यादा दिक्कत हो रहा है, और इधर से डेली जैसे बड़राजपुर और इससे आगे जाने वाले में तो और ज्यादा परेशानी होता होगा। करीब 10 साल पहले डामरिंग हुआ था, उसके बाद से ये रोड इतना ज्यादा खराब है, हर जगह गड्ढे गड्ढे हैं और आए दिन कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती रहती है, तो हमेशा ही दुर्घटना होने की संभावना बने रहता है। और इस तरह से कोरगांव से लेकर के बड़राजपुर तक पूरा ही खराब है, पूरा चरमरा गया है, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। डोंडी थाने में थाना प्रभारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले आरक्षकों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका सम्मान किया है। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिन पूर्व दुकान का रात्रि गश्त के दौरान युवक को दुकान का ताला तोड़ते देख आरक्षकों ने तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया और घेराबंदी का संदेही युवक को पकड़ लिया, जिसके चलते उक्त दोनों कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। खबर कोरबा से, यहाँ पर यातायात पुलिस ने ओवरलोड वाहनों की धरपकड़ शुरू कर दी है और इस अभियान के तहत कुछ दिनों में 4 वाहनों से 1.5 लाख रुपए की समन शुल्क को वसूला गया है। ये रकम जिले में अब तक वसूले गए शुल्क में सर्वाधिक है। अच्छा, क्या लोड है उसमें? क्रशर लोड है ये। ये क्या काम आता है? गिट्टी तोड़ने का काम है। गिट्टी तोड़ने किनका है ये? संजय कुमार अग्रवाल। अच्छा, तो वहीं जा रहे थे लेकर, कहाँ रोके गाड़ी पर? कौन रोके यहाँ पर? ओवरलोड का 3 प्रकरण दर्ज किया गया है। ये 18
बड़ी खबर सुकमा से, एराबोर क्षेत्र से 3 IED बम बरामद हुए हैं। बम निरोधक दस्ते ने इनको बरामद किया। सैनिकों को निशाना बनाने के उद्देश्य से इन बम को प्लान किया गया था, ऐसा सौरभ सिन्हा ने आधिकारिक पुष्टि की है। नक्सलियों की बड़ी करतूत को यहाँ पर अंजाम देने से पहले ही उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। शिवा यादव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, कितनी देर पहले की घटना, कितनी बड़ी सफलता इसको माना जाए? जी, मैं आपको बता दूं, आज सुबह जिला बल की टीम सर्चिंग पे निकली हुई थी। जैसे ही वो एराबोर के बाजार से अंदर जंगल की ओर दाखिल हुई तो देखा कि नक्सलियों ने वहां पर सीरियल तरीके से बम प्लांट कर रखा है, तो तत्काल उन्होंने सीआरपीएफ 228 बटालियन के बम निरोधक दस्ते को बुलाया और 3 बम को डिफ्यूज किया। और साथ ही बता दूं कि नक्सली फोर्स को भ्रमित भी करने के उद्देश्य से 4 डेमो बम और भी लगा रखे थे। हालांकि उससे वो नहीं, ज्यादा खतरा तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं फोर्स को वो भ्रमित करना चाह रहे थे। और 3 जो आईडी जिंदा बम मिले, कहीं ना कहीं इससे नक्सली जवानों को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के फिराक में थे। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो चलिए इसी खबर के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। खबरें